हेलो एवरीवन ओवरऑल जो अभी टीवाई बी कॉम सेमेस्टर फाइव का एग्जामिनेशन होने वाला है ट्वेंटी थर्ड ऑफ अक्टूबर से तो जो अभी टाइम आपके पास बचा हुआ है इस टाइम को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है उसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये चैनल के बेसिस पे आपको आने वाले टाइम में कौन से वीडियोस मिलेंगे जिस पे आपके काफी ज्यादा कमेंट्स मुझे मिले थे कि रिवीजन सेशंस लाइए काफी ज्यादा रिवीजन सेशंस की हमें जरूरत है तो वो पूरा एक रोड मैप मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कौन से कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में आपको वीडियोस मिलने वाले हैं वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे एंड ये जो सिक्सटीन डेज हमारे पास बचे हुए है तो ये सिक्सटीन डेज को हम किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइज करके उसका हंड्रेड परसेंट बेनिफिट हमारे आने वाले एग्जाम में कैसे हम ले पाएंगे वो सारी चीजें के बारे में हम डिटेल डिस्कशन आज के वीडियो में करने वाले हैं तो अगर आप पहले बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले बिकॉज आगे के जो वीडियोस अपलोड हो जाएंगे वो आपको सीधा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन देखो अभी टोटल सिक्सटीन डेज आपके पास है अगर हम ये सिक्सटीन डेज की बात करें तो आपके पास टोटल सेवन सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन आपको करना है उसमें नंबर वन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स नंबर सेकंड जो सब्जेक्ट है दैट इज कॉमर्स विच इज कॉल्ड एज मार्केटिंग फिर आपके थियोरी के सब्जेक्ट्स है दो ये थियरी के सब्जेक्ट्स हुए फिर आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स है जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग एंड देन टू सब्जेक्ट्स आर अप्लाइड कंपोनेंट वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से सब्जेक्ट लिए हैं जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन है टैक्सेशन है एक्सपोर्ट मार्केटिंग है Uh, बाकी के भी बहुत सारे ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपने अप्लाइड कंपोनेंट्स में लिए होंगे तो ओवरऑल uh, अगर हम ये सेवन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो इसमें से सबसे प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट्स बच्चों को लगते हैं और वो है थियोरी तो थियोरी सब्जेक्ट्स ऐसे है जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ते नहीं और लास्ट मोमेंट में जैसे ही एग्जाम पास आ जाती है वैसे सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट टू स्टडी इन थियरी सब्जेक्ट्स एंड व्हाट नॉट टू स्टडी इन सब्जेक्ट दिस थियरी सब्जेक्ट्स एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम देयर टीचर्स फ्रॉम देयर फ्रेंड्स एंड वो ढूंढते ही रहते हैं आप वीडियो में भी यही चीज ढूंढेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है क्या पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो बहुत सिंपल ट्रिक्स में आपके साथ शेयर करूंगा जो हम आने वाले वीडियोस में आने वाले रिवीजन सेशंस में भी सीखने वाले हैं तो अभी से लेके ट्वेंटी थर्ड तक या एग्जाम खत्म होने तक आपको बहुत सारे लेक्चर्स इस चैनल पे मिलेंगे जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे हम सारे चैप्टर्स के वन वन रिवीजन लेक्चर्स भी अपलोड करेंगे चैप्टर वाइज और फिर लास्ट में जब आपका एग्जाम होगा एग्जाम के एक दिन पहले आपको एक मैराथन सीरीज दे दूंगा या फिर लास्ट मिनट रिवीजन के जो सीरीज हम हर साल चलाते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे ताकि जो भी आप अगले दिन जाके सिली मिस्टेक्स करके आते हैं पेपर में और बाद में सोचते हैं कि अरे ये सिली मिस्टेक्स अगर हमने नहीं किए होते तो हमको बहुत सारे मार्क्स आते तो वो सारी चीजें भी हम धीरे धीरे चैप्टर वाइज बेसिस पे पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकेंड जो सब्जेक्ट है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड जो सब्जेक्ट है जिसमें आपको काफी सादा वीडियो इस चैनल पे मिलेंगे दैट इज अबाउट दी सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन बाकी तो थ्योरी सब्जेक्ट्स है इस बार हम थ्योरी के लिए भी आपको कुछ रिवीजन सेशंस प्रोवाइड करने वाले हैं तो जल्दी जल्दी ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जो भी आपके फ्रेंड्स टीवाई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए बिकॉज उनको भी काफी ज्यादा हेल्प हो पाए कि किस तरीके से एक क्लियर माइंडसेट से कैसे प्रोसेस के थ्रू हमको लास्ट के सिक्सटीन डेज को यूटिलाइज करना है एंड अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ओवरऑल अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कॉस्ट अकाउंटिंग की या सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन की तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको ओवरऑल जो चैप्टर्स पढ़ने हैं उसके हर एक चैप्टर के वीडियो आपको कल से मिलना चैनल पे स्टार्ट हो जाएगा

से फॉर एग्जाम्पल हम अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बेसिक जर्रल एंट्रीज कौन सी होती है किस तरीके से एंट्रीज पूछी जाती है कैसे आपको इस एंट्रीज पे फोकस करना है कौन से ऐसे एडजस्टमेंट्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं

जो आपको ध्यान रखने हैं ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है और एक हम प्रॉपर वे से ये सिक्सटीन डेज को कैसे हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना है वो हम सीखेंगे बिकॉज ये जो सिक्सटीन डेज है ये अगर आपने सही से यूटिलाइज कर लिए तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा सेमेस्टर बीकॉम का उसमें आपको रिजल्ट देखते वक्त डर नहीं लगेगा जब आप रिजल्ट देखते वक्त डरेंगे नहीं उसका मतलब आपने पेपर काफी अच्छी तरीके से लिखा है एंड ऑलरेडी आप कॉन्फिडेंट है कि आपको मार्क्स तो मिलेंगे अच्छे लेकिन कितने आएंगे दैट डिपेंड्स ऑन दी एक्सामिनर और डिपेंड्स ऑन दी पेपर विच यू हैव रिटन तो दैट इज एग्जैक्ट पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर तो इसको एक प्रॉपर वे से हम फोकस करके पढ़ेंगे सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलेंगी तो कल से आपको ओवरऑल चैप्टर बेस वीडियो मिलेंगे एंड लास्ट में जाके एक मैराथन भी लेने आए मैराथन या लास्ट मिनट रिवीजन जिसमें हम सारे चैप्टर्स एक साथ डिस्कस करके सारे चैप्टर्स एक एक करके रिवाइज करने वाले हैं तो मैं आपको मिलता हूं कल के सेशन में कल के सेशन में हम चैप्टर नंबर वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस किस तरीके से पेपर पैटर्न है किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब कुछ हम कल के सेशन में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और आपके अगर कुछ कमेंट्स है आपके अगर तरफ से कुछ इनपुट है कि आपको लगता है ये भी अगर स्टार्ट किया तो ये भी बेटर हो जाएगा तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं बिकॉज ये मेजर पर्पज मेरा इस चैनल स्टार्ट करने का यही था कि जो बच्चे लास्ट मोमेंट में इधर उधर घूमते हैं जो बच्चे लास्ट मोमेंट में लास्ट मिनट रिविजन रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं और जो बच्चे लास्ट मोमेंट में कॉपी करने के लिए चिटबिट कहीं से बनाते हैं उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रॉपरली सिस्टम बेस पे अगर आप प्रॉपरली प्रोसेस को फॉलो करके अगर आप प्रॉपरली इस तरीके से फोकस होकर अगर पढ़ेंगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट इस चैनल से होगा और आपको अपने फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट होगा तो मैं मिलता हूं आपको कल के सेशन में जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिटेल डिस्कशन करेंगे थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर